नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, ये ट्रैक्टर आपका है, सीआरडी? जी हाँ सर, मेरा अच्छा है ये। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रवि खत्री है। अच्छा, गांव का नाम? गांव जामनेर रहता हूँ, जिला तहसील सुजालपुर, जिला शाजापुर है। अच्छा हम प्रॉपरली यहीं के निवासी हैं। ये ट्रैक्टर हमने राठी शोरूम से लिया था। हमको इसको लिए हुए करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं। इस ट्रैक्टर में 60 HP का जो है ट्रैक्टर है, सीआरडी इंजन हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि ये इसका डीजल जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम है। इस ट्रैक्टर में क्या है कि जो हमारा पुराना ट्रैक्टर था वो 575। अच्छा, ये 575 भी आपका है? जी हाँ, जी 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 575 भी हमारा है। उस ट्रैक्टर के मुकाबले में डीजल मेंटेनेंस दोनों को बराबर निकले हैं। मतलब नॉर्मल काम, नॉर्मल एवरेज ये मान के चलिए कि आप प्रति घंटे में 3 लीटर डीजल इसका मेंटेनेंस रहा है। अच्छा, 60 HP के ट्रैक्टर का 3 लीटर के करीब, मतलब किस काम पे 3 लीटर नापा आपने? हमने इसको बखर बोर सीड्रिल वगैरह इन पे 3 लीटर। अच्छा, मतलब छोटे काम करते हो तो मतलब छोटे ट्रैक्टर के बराबर ही डीजल खाता है? अच्छा 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 बाकी जो हमने रोटर वेटर चलाया था, हाँ, उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस ज्यादा हुआ है। कितना मतलब उस पे डीजल कितना? डीजल मेंटेनेंस 3.5 से 4 लीटर गया हो। 4 लीटर जैसे के ही जैसे इतने नमी आती है तो उसमें 4 लीटर पे पहुंचा, और जैसे जैसे सूखा आता है वैसे वैसे 3.5 लीटर पे आ गया ट्रैक्टर। अच्छा 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 क्या प्लव भी चलाया इस पे आपने? जी हाँ, इस पे प्लव भी चलाया। अभी गर्मी सीजन पे हमने 300-400 घंटे प्लव भी चल गया है इस पे। उस पे डीजल मेंटेनेंस क्या रहा? 3.5 से 4 लीटर गया हुआ है, वो भी रोटर वेटर के बराबर। अच्छा, रोटोवेटर के बराबर, बराबर। अच्छा, तो आपको किसने बताया था कि सीआरडी ट्रैक्टर लेना है? मतलब जी जी, आपने जी, जी, कैसे सोचा था मन में कि सीआरडी? सर क्या है कि हमारे परिचित हैं भैया, हाँ, हमारे रंजी शाहूकार, हाँ, उनने बताया था सीआरडी ट्रैक्टर अभी नया लॉन्च हुआ है। आप उसमें वो ट्रैक्टर में टेक्नोलॉजी भी बहुत शानदार है। अच्छा, और GPS सिस्टम भी बहुत अच्छे, कंपनी ने बहुत शानदार चीज दी है। मुझे GPS सिस्टम बहुत शानदार लगा। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है GPS? मोबाइल पे ही सर मेरे को सारी लोकेशन मालूम पड़ जाती है, ड्राइवर कब चला रहा है, कितनी जगह चला रहा है, कहाँ से चला रहा है, कौन सी जगह चल रहा है ट्रैक्टर। अच्छा, पूरी चीज मोबाइल पे दिखती है? डीजल जैसे इतने खत्म होने वाला तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि डीजल खत्म होने वाला है। जी सर, मैं इसको गल्ला मंडी वगैरह में भी लेके जाता हूँ, तो इसका कलर और फीडबैक देख के वो इतना शानदार लगता है ट्रैक्टर, लुक वाइज भी अच्छा लगता है। सब किसान बंधु कहते हैं कि कहाँ से लिया ट्रैक्टर आपका, बहुत प्यारा लगता है ट्रैक्टर। अच्छा, मतलब आप किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं? जैसे बड़े HP का ट्रैक्टर लेंगे, अब 50 HP से ऊपर जैसे जाएंगे तो CRD ट्रैक्टर आने लगेंगे, आ रहे हैं। मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा किसान बंधुओं को, जैसे 50 HP से ट्रैक्टर अगर ऊपर लेना चाहते हैं तो 60 HP का ट्रैक्टर महिंद्रा नोवा खरीदिए। मतलब डीजल मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस में बहुत शानदार ट्रैक्टर है, इसका मेंटेनेंस भी शानदार निकला, हमें तो बहुत अच्छा लगा। चलाने में कैसा क्या अनुभव है आपका? मतलब आप जब इसको चलाते हैं? चलाते हैं इसको 8-10 घंटे भी चलाते हैं तो मुझे थकान महसूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर, इसके पीछे कारण? बैठक व्यवस्था, क्लच वगैरह सब मतलब स्मूथली सारी चीजें अच्छी लगी। अच्छा, बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले बहुत शानदार चीज। मतलब आप इस ट्रैक्टर से पूरी तरह संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और महिंद्रा से जुड़े रहिएगा। ठीक है।